Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum little learners, I'm Nabila Bashir and I welcome you to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear students, इस वीडियो में हम Gohar Skill Up English play group का पेज नंबर 34 और 35 करने वाले हैं और हम सीखने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेटर. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वीडियो में हम बस एक ही लेटर सीखेंगे और वो है लेटर के. व्हाट इज द करेक्ट नेम? इट्स लेटर के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेटर के का साउंड सीखते हैं और इससे बनने वाले कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स और उसकी फॉर्मेशन. सो दिस इज पेज नंबर 34. लुक एंड से. सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर? इट्स लेटर के. आपने इसको के नहीं कहना. व्हाट इज द करेक्ट नेम? इट्स के. एंड व्हाट इज द साउंड? इट्स इसका बिल्कुल वो साउंड है जो हमने लेटर सी के लिए पढ़ा था. तो आपको याद होगा कि लेटर सी जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि सी को हम कहते हैं खरली ख. क्या कहते हैं? खरली ख, क्योंकि उसका साउंड भी ख है और इस लेटर का साउंड भी ख है. तो इसको हम कहते हैं किकिंग ख. ये देखें, जैसे कि अपने लेग से किक कराओ, आप किक करें सर अपने लेग से ख, ख, ऐसे. ठीक है, अब आपने याद रखना है कि खे को हम क्या कहते हैं? किकिंग ख. और पहले वाला क्या था? खरली ख. अब मैं आपको सुनाऊंगी एक ख की स्टोरी, यानी उसमें कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो ख से स्टार्ट हो रहे होंगे और आपने स्टोरी को गौर से सुनना है और याद रखना है कि उसमें कौन कौन सा वर्ड ख से स्टार्ट हो रहा है. ओके, देयर वाज अ किंग. और किंग कौन होता है? जो किसी कंट्री को रूल करता है, वो बहुत रिच होता है, उसके पास बहुत सारी मनी होती है और बहुत सारी पावर भी होती है. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था तो वो हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से करता था और वो ये चाहता था कि उसके पास बहुत सारे पेट्स हों. तो उसने अपने पास कौन कौन से पेट्स रखे हुए थे? कैंगरू. देयर वाज अ कैंगरू एंड देयर वाज अ कोआला. और उसने क्या किया हुआ था? उनको एक केज में बंद करके लॉक करके की को अपनी किचन में छुपा दिया था. क्योंकि घर में बहुत सारे किड्स होते हैं और वो कीज को घुमा देते हैं, तो उसने क्या किया था? की को एक सेफ प्लेस पे रखा हुआ था. लेकिन एक दिन क्या हुआ कि एक किड, यानी अ बॉय, उसने उस की को तलाश कर लिया और उसने क्या किया? उसने कैंगरू को भी खोल दिया, यानी उसके केज को भी ओपन कर दिया और कोआला के केज को भी ओपन कर दिया. लेकिन क्या हुआ, क्योंकि कोआला तो बहुत लेजी होते हैं, जब केज ओपन हुआ तो कोआला सोया हुआ था, वो तो उठा ही नहीं. कैंगरूज क्योंकि बहुत फास्ट रनिंग करते हैं तो वो जल्दी से वहाँ से निकल के भाग गया और वो जो किंग था वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो गया. उसने कहा कि जल्दी से उस केज को तलाश करें जिसने मेरी की चुराई थी. तो अब आप खुद से सोचें कि इसके बाद क्या हुआ होगा. जाहिर सी बात है, यानी जिस किड ने ये वाली शरारत की थी उसको कोई पनिशमेंट मिली होगी. तो क्या ये अच्छी बात है कि विदाउट परमिशन किसी की चीज़ें हम ले लें, स्पेशली कीज़? क्योंकि कीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की होती हैं, क्योंकि लॉक हम सिर्फ उन चीज़ों को करते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती हैं. तो अब मुझे ये बताएं कि इस स्टोरी में कौन था मेन कैरेक्टर? कौन था? देयर वॉज अ किंग. और उसने अपने पास कौन कौन से पेट्स रखे हुए थे? देयर वॉज कैंगरू एंड देयर वॉज अ कोआला. आपको पता है कोआलास बेयर्स होते हैं. अगर आपको कोआलास के बारे में नहीं पता तो आप मामा से कह के उनकी यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं. और उसके बाद क्या हुआ? उसने उनको की के साथ लॉक किया हुआ था और वो की किसको मिली थी? अ किड फाउंड लाइक यू. अ किड फाउंड द की और उसने उनको अनलॉक कर दिया था और उसमें से कैंगरू भाग गया था. क्योंकि कैंगरू जो हैं वो बहुत फास्ट रनिंग कर सकते हैं, उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, और कोआलास जो हैं वो बहुत स्लो होते हैं, वो सारा दिन सोए रहते हैं. क्योंकि उनका फूड ऐसा होता है जो लीव्स वो खाते हैं वो उनको स्लीपी बना देते हैं, तो कोआला को कुछ पता नहीं चला था और वो सोया रह गया था. तो अब हम पेज पे देखते हैं कि हमारे पास बुक में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ख से, यानी खे से स्टार्ट हो रही हैं. देयर इज़ अ किंग, जैसे कि हमने स्टोरी में देखा था. देयर इज़ अ कैंगरू. और कैंगरू के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ. ये ज़रा देखें, कैंगरू एक ऐसा एनिमल है जिसका बेबी पाउच होता है,
यानी इसका जो बेबी है 6 मंथ्स तक उसके पाउच में रहता है। क्या आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पाउच में आपको एक बेबी नज़र आ रहा है। सो दिस इज कैंगरू, और ये अपनी फ्रंट 2 लेग्स को यूज़ नहीं करता, ये रनिंग के लिए सिर्फ बैक लेग्स को यूज़ करता है। तो ये इंटरेस्टिंग बात है ना कैंगरू के बारे में। और कैंगरूज नॉर्मली ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, और अगर आपने कैंगरूज को भी नहीं देखा तो इसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन कैंगरूज को नॉर्मली हम जू में देख लेते हैं। और दिस इज अ की, की तो सबने देखी होगी क्योंकि हर चीज़ की होती है, जैसे हमारे डोर की है, हाउस की होती है, उसके अलावा हमारे कबर्ड की होती है, या फिर कार की हो सकती है। तो ये सारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये स्टार्ट हो रहे हैं खे ख से, ख ख की, ख ख किंग, ख ख कैंगरू। और उसके अलावा हमने स्टोरी में कौन कौन से वर्ड सीखे थे, ख्वाला, किट एंड किचन, दैट्स राइट। अब हम देख लेते हैं टीचिंग गाइडलाइंस को। टीचर्स ने बच्चों को लेटर के का करेक्ट नेम बताना है, इसका करेक्ट साउंड बताना है, और जो गिवन वोकैबुलरी है इसको एक्सप्लेन करना है, और इसके अलावा भी वोकैबुलरी वर्ड्स बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाने हैं। उसके लिए आप रियल ऑब्जेक्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, स्टोरी का भी यूज़ कर सकते हैं जैसे मैंने किया, या फिर आप कोई भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और लेटर के की फॉर्मेशन सीखते हैं। सो आई एम होल्डिंग द कार्ड ऑफ लेटर के। सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेटर, इट्स लेटर के, एंड हाउ टू राइट इट, इट्स वेरी इजी, शो मी योर टू फिंगर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू मेक अ स्ट्रेट लाइन, एंड देन वी विल मेक द लेग्स और द स्लांटिंग लाइन्स, फर्स्ट स्लांटिंग लाइन एंड अदर स्लांटिंग लाइन। ये देखिए, इससे पता चलता है कि ये यहाँ से किक कर रहा है, दैट्स वाई वी कॉल इट kicking k. Okay, now we are going to practice letter k in the sand tray. Make a standing line just like that, and then make a slanting line, another slanting line, and this is kicking k. So this is page number 35, say and trace. So what is the letter name, it's k. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हॉलो लेटर को ट्रेस करेंगे। तो हमने क्या करना है, सिंपली हमने एरोज को फॉलो करना है। तो नंबर 1 पे यानी डॉट पे हम रखेंगे अपनी पेंसिल को, स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ करेंगे और एरो को फॉलो करते जाएंगे, नीचे आएंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट स्लांटिंग लाइन को ड्रॉ करना है और उसके बाद हमने सेकेंड स्लांटिंग लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमारा बन जाएगा K। अब हम डॉटेड लेटर्स को भी ट्रेस कर लेते हैं। सिंपली पुट योर पेंसिल ऑन द डॉट, स्लोली ज्वाइन द डॉट्स एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन एंड अनदर स्लांटिंग लाइन। सो दिस इज लेटर K। हम क्या करेंगे, डॉट पे पेंसिल रखेंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, आपने स्लो स्लो इन डॉटेड लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देना है, और इस तरह से आपका के बन जाएगा। और आपने ट्राई करना है कि आपकी लाइन जो है वो इन डॉटेड लाइन से बाहर ना जाए और आप इनको ज्वाइन कर दे जाए। ये बन गया हमारा किकिंग खर। तो आपने ख्याल रखना है आपकी पेंसिल शार्पन होनी चाहिए, और अगर आपकी ट्रेसिंग रॉन्ग हो जाए तो आपने क्या करना है, इरेजर का यूज करना है। इस तरह से हम क्या करेंगे, सारे केस की ट्रेसिंग को कंप्लीट करेंगे। तो आपने बाकी लेटर के की ट्रेसिंग को भी खुद से कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं और कुछ एक्टिविटीज करते हैं। सो नाउ वी हैव सम एक्टिविटीज। द फर्स्ट वन इज से द नेम्स ऑफ द पिक्चर्स एंड मैच द लेटर के विद द पिक्चर्स। तो सबसे पहले देखिए आपको कौन सा लेटर नजर आ रहा है, इट्स लेटर के, और लेटर के सामने आपको कौन कौन सी पिक्चर्स नजर आ रही हैं। द फर्स्ट वन इज एन इंसेक्ट, इट्स अ लेडीबग, एंड द नेक्स्ट वन इज अ जग, एंड द लास्ट वन इज अ की। सो विच वन इज स्टार्टिंग विद ख साउंड, की। तो हमने लेटर के को मैच करना है की के साथ, सो दैट्स वेरी ईजी। अब हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है कलर इट। तो कलरिंग में हमारे पास कौन सा इमेज है, इट्स अ की। तो की में आप कौन सा कलर करना चाहेंगे, आप की में ग्रे कलर कर सकते हैं। जी तो की में मैं करने वाली हूँ ग्रे कलर, क्योंकि नॉर्मली ये स्टील की होती हैं। आप ग्रे कलर कर सकते हैं या फिर आप ब्राउन कलर भी कर सकते हैं, जो कलर आपको ज़्यादा अच्छा लगे।
आप पेंसिल का कलर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी आप लेड पेंसिल को बहुत हल्के हाथ से अगर शेड देंगे तो वो भी बहुत अच्छा कलर हो जाएगा। तो आपने बस एक बात को याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने लाइन के साथ साथ कलर करना है, वाइट स्पेसेस को फिल करते जाना है, तो इस तरह से आपने सारी कलरिंग को कंप्लीट कर लेना है। वी हैव सम टीचिंग गाइडलाइंस। आपने बच्चों को इनकरेज करना है कि वो डॉटेड लेटर को अपनी फिंगर के साथ ट्रेस करें। उसके अलावा वो लेटर की एक ही ट्रेसिंग कर सकते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर, एयर के ऊपर, सैंड ट्रे का यूज़ कर सकते हैं। और आप बच्चों को इनकरेज करें कि वो पिक्चर यानी की कलरिंग को भी कंप्लीट करें। जी बच्चों, ये था हमारा लेटर खे। और व्हाट इज द करेक्ट साउंड ऑफ लेटर खे? इट्स ख। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं किकिंग ख। और अब टाइम है हमारा होम एक्टिविटी का। तो होम एक्टिविटी में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग काम बताने वाली हूँ। आपने क्या करना है, आपने अपने घर में सारी एक्स्ट्रा कीज़ को कलेक्ट करना है और आपने अपनी मामा से पूछना है कि कौन सी कीज़ ऐसी हैं जो किसी भी लॉक को नहीं लगती। जब आप सारी कीज़ कलेक्ट कर चुके होंगे, फिर आपने ये देखना है कि सब कीज़ का साइज़ और शेप कैसी है, क्योंकि हर की शेप और साइज़ एक दूसरे से डिफरेंट होता है और आपने उस डिफरेंस को नोट करना है। और उसके अलावा आप की को रख के ट्रेस भी कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि उसकी शेप कैसी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।